चलाना आपके नाम से आएगा फिर। चल ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ ना। ठीक है, ओके सर, हो गया चलान। गुड मॉर्निंग गाइज, आज का दिन भाई बोरिंग है। ठीक है, बोरिंग इसलिए है क्योंकि आज भाई हमारे पास कुछ भी कंटेंट नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, मतलब ना ही कोई ग्रुप राइड वगैरह है कि हम लोग जा पाए बाहर। ठीक है, तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपने ट्रैक पे ही। और आपको एक बात बता देता हूँ, अभी के जो घर है ना, अभी के घर मेरे घर के पास ही हैं, तो अभी भी मुझे वहीं पर मिलने वाला है। तो हम अपने ट्रैक पे जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी आने वाला है 10-20 मिनट्स में वो मुझे मिल जाएगा नीचे। ठीक है, आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, ऑफ रोड से रिलेटेड। मेरे मुँह से ना वाइट स्मोक निकल रहा है, मतलब समझ सकते हो इधर इतनी ठंड है, मतलब भाई यहाँ पे ना ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं ट्रैक पे। और क्या भाई, अभी पता नहीं अभी आया है या नहीं आया है। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ, 10:30 का टाइम था और मैं 10:20 भी निकल गया हूँ। तो मतलब हमारा जो ट्रैक है वो यहीं पे है, पास ही में 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। ओ ये लो भाई, एंटर हो गए अपने ट्रैक में। एंड अभी तो मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रहा, कोई भी टाइम का पक्का नहीं होता भाई, मुझे छोड़ के मैं हर वक्त टाइम पे पहुँचता हूँ, बस कभी कभार ही लेट होता हूँ। तो भाई ये है अपना ट्रैक, और सुबह सुबह यहाँ पे जो फ्रेश एयर चलता है ना भाई, वो अलग ही मज़ा आता है यार। एंड ये ऊपर देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, सामने से लाइट आ रही है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद ये आ चुका है। हाँ जी भाई, और साथ में भाई भी आया। इतना टाइम कहाँ था? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अच्छा ट्रैफिक था, हाँ। तो ठीक है भाई, दो बाइक्स हैं आज हमारे साथ। हमने ये डिसाइड करा है कि अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, थोड़ी सी आपको टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई ऊपर वाले पैच पे, और वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिफ्ट कैसे लेना है, ठीक है, बाइक पे हम। और एक बात बता देता हूँ, ये जो ट्रैक है यहाँ पे आप टॉप स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। टॉप स्पीड लगा सकते हो बट बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो टर्निंग पे। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। बढ़िया। ये वाला स्लोप जो देख रहे हो ना, ये ऐसे है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्लेन नहीं है। थ्रोटल दोगे तो यहाँ पे और वहाँ पे मोशन चेंज हो जाएगा। वो 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 मैं बोल रहा हूँ, किस गियर पे मार रहा स्लाइड? दूसरे में। थर्ड पे स्लाइड करना ना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, बट चलो देखते हैं एक बार। नाइस। अरे यार, कैमरा मैं ना पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ओ भाई, और भाई कैसा लग रहा है? सेक्सी यार, बस ये है कि स्टॉक टायर की वजह से ग्रिप नहीं पकड़ रहा है। हाँ। बाकी ये कि ड्रिफ्ट सेक्सी ले रहा है यार यहाँ पे। डिसेंट पैच भी है यहाँ पे, मैं यहीं पे गिरा था इस पे। अच्छा। ये देखो भाई, रेत देखो कितनी ज्यादा है यहाँ पे अभी। चल एक बात बता मुझे, ये ड्रिफ्ट करने के लिए ट्रिक्स बता दे। अब मैं अपनी तरह से, मैंने अपनी साइड से तो बताया हुआ, तो अपनी साइड से बता। चलाना आपके नाम से आएगा फिर। चल ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ ना। ठीक है, ओके सर, हो गया चलान। अच्छा तू ये बता, तू बता रहा था कुछ। तो भाई जब तुमने ये करना है, जब तुमने ड्रिफ्ट मार लिया तो कुछ नहीं है, बस हल्की सी हल्का सा बेंड करो और डी क्लच करके तुम जो है ड्रिफ्ट मार सकते हो सेक्सी जैसी। बट ये है कि तुम्हारे टायर जो है सेक्सी होने चाहिए थोड़ी, जैसे नोबी टायर हो तो उसमें अच्छा ड्रिफ्ट बसता है। और बॉडी पोजीशन भी थोड़ा, बॉडी पोजीशन भी थोड़ा मतलब उसके हिसाब से वो ढलना चाहिए, मतलब जहाँ पे तुम्हें तो तुम्हें मतलब अपने अपने साइड से। अरे कहना क्या चाहते हो? खुद होना चाहिए कि मतलब भूला। सो गाइस, मैंने ग्लास भी चेंज कर दिया, दिख रहा है ना इसमें शेड, दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ना जैसे अभी ने ड्रिफ्ट लिया था, अभी मैं भी लेने वाला हूँ, और गोप्रो से भी शूट करने वाला हूँ और फोन से भी शूट होगा। तो भाई जैसे कि अभी ने बताया था, वो पूरी तरह से मतलब खतरनाक तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, बट मैं अपनी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। अरे भाई एक मिनट रुको, ये देखो भाई सारी गेम इस क्लच की है, ठीक है। क्लच पे आप ड्रिफ्ट मतलब पावर दे सकते हो बाइक को, एंड थ्रोटल, ठीक है, अगर बाइक में पावर नहीं है तो। ये देखो यार क्या सेक्सी मार रहे हैं दीक्षित, एंड इसको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है यार। पता क्या हो गया, रेत आ गई ज्यादा इसमें ना, थोड़ा सा खतरा है, गिरेंगे, किट भी नहीं पहनी है।
ये वाला एक पैच था अभी मैंने आपको दिखाया, और दूसरा वाला पैच। चले दूसरे पे, यहाँ पे करनी है प्रैक्टिस, चलते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे पानी नहीं है ज्यादा, बस ये पीछे दिख रहा है यही पानी है, और इस तरफ है, कहाँ गया, इस तरफ, ठीक है, ये अगेन आ गया। काफी डीप है भाई, अभी फाइनल जा रहे हैं हम लोग जंप करने के लिए। जंप में से मैं करता नहीं हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर रैंप बना के नहीं रखा हमने, पहले बनाया हुआ था फिर वो ख़राब कर दिया, अभी अगेन मतलब अभी है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर जंप नहीं लगता, पर प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया है, अगर किसी बंदे को प्रैक्टिस वगैरह करना है उसके लिए A1 है। ये रहा भाई, देख अगर ज़्यादा ऊपर मारना है ना तो इस साइड से मारना पड़ेगा, और लंबा मारना तो इस साइड से। सो लेट्स गो गाइस, एक बार हम भी ट्राई करेंगे। अरे भाई यहाँ पे ना मोशन बनाने के लिए ना बहुत कम स्पेस है, ओ नाइस, थोड़ा सा लगा। सो गाइस वन मोर ट्राई करेंगे, यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा कम है यार, देख रहे हो। एंड जंप करने के लिए ना भाई आपका ना बॉडी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे लैंड हो रहा है भाई, देख रहे हो इतना ज़्यादा सरफेस है, और भाई कहाँ पे लैंड हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, कैमरा में इतना जजमेंट नहीं होता है, इतना एंगल खाली जा रहा है, देखो यहाँ से लेके सीधा 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 यहाँ पे लैंड हो रहा है। तो भाई जा रहे हैं हम लोग जंगल के बीच में, जंगल से बीच से होके, मतलब नहीं पता यहाँ से रास्ता है या नहीं है भाई, देख रहे हो यहाँ पे ना सांप सूप भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, एंड यहाँ पे कौन सी बाइक चलेंगी, बट यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है भाई, इतना गहरा घास है, अगर कुछ हुआ ना यहाँ पे तो भाई तुम्हारा बचेगा नहीं। देखो भाई फंस गया यहाँ पे इतनी बड़ी ढलान में, देखो टायर पूरा स्पिन हो रहा है, आगे वाला टायर खींचना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ पार कर लिया है, बस यहाँ पे रहती है ये डीप नदी, गहरी तो नहीं होगी यार, ये गहरी तो नहीं होगी, यहाँ पे हम फाइनली निकल चुके हैं बाहर। एंड पीछे की हालत दिखाऊं तो भाई ये हालत हो गई कुछ शॉकर में, पूरा मिट्टी चला गया अंदर, देख रहे हो भाई मेरा फेस ना लाल हो गया पूरा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्यों अभी है ना उसका भी लाल हो गया और ये दो बाइक्स हैं, दो राइडर्स हैं, अगर आगे का वीडियो भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड लव यू ऑल, बाय गाइस।